अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ पोटैटो बाइट्स, जो बहुत मज़े के बनते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए डिप तैयार कर लेती हूँ। डिप में मेरे पास है चिली सॉस, केचप, दोनों को मिक्स हो गए हैं दोनों, ये मेयोनीज, ये मस्टर्ड पेस्ट और ये बारबेक्यू सॉस, ये सब 1 टेबल स्पून थी, 1 टेबल स्पून। जितने आप देखें, जितने आपके ज़्यादा फ्राद है ना, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से ये बना लें। अच्छी तरह मिक्स करके मैं एक डिप तैयार कर लूँगी, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी डिप हो गई है तैयार, बहुत मज़े की। अब मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको बताती हूँ अब इसकी बनाने का तरीका। ये है मेरे पास मैश पोटैटो, 2 पोटैटो लिए हैं मैंने, उसको बॉयल करके ये देखें ये मैश कर लिया है मैंने पोटैटो, ठीक है। इसके बाद ये है मेरे पास लहसुन, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये है मेरे पास वाइट तिल, ये है चावल का आटा, ये है कॉर्न फ्लोर, थोड़ा सा धनिया, पानी 1/2 कप, ठीक है। और ये स्पाइसेस हैं, ये रेड चिली, ये सॉल्ट, जीरे धनिया कुटा हुआ, और ये ब्लैक पेपर, ये सब 1/2 टीस्पून है, ठीक है, 1/2 टीस्पून। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं, इन सब की डबल क्वांटिटी कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना। मैंने गार्लिक को थोड़ा सा, आपने रेड नहीं करना, थोड़ा सा पिंक करना है, पिंक, काले की तरफ ना आए, बात को गौर से समझना है आपने, ठीक है। सिर्फ एक गार्लिक छोटा सा, फ्लेम थोड़ी आहिस्ता रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा पिंक, ये देखें हो गया कलर चेंज गार्लिक का। ये सारे स्पाइसेस, ये देखें, समझ आ रही है, ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर। गार्लिक के अंदर थोड़ा सा सौते करना है, फ्लेम थोड़ी सी मैं हाई कर देती हूँ। अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी 1/2 कप, पानी को बॉयल आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये चावल का आटा, ये सेसमी सीड्स, वाइट तिल, पानी को बॉयल आ गया, फ्लेम आहिस्ता करते ये तिल शामिल करने लगी। ये देखें, ये टेबल स्पून, 4 स्पून डालूंगी मैं चावल का आटा, पहले 2 टेबल स्पून डालूंगी, फिर मैं इसको थोड़ा सा हला दूंगी। ये देखें, गुठलियां ना बने, कोशिश करें कि गुठली ना बने। मेरे पानी के मुताबिक मुझे लग रहा है कि 2 टेबलस्पून ही इसमें काफी है, ठीक है। इस तरह इसको कोशिश करें इसमें लम्स ना बने, अच्छे से हिला दे। ये देखिए लम्स नहीं बने, थोड़ा सा पकाना है कि आटे का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये पकना शुरू हो गया। मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, ठीक है। इसमें ये आलू मैश किए हुए, अभी कॉर्नफ्लोर हमने ऐड नहीं करना, वो मैं आगे जाके बताऊंगी किस टाइम करना है आपने इसमें ऐड। इसको आपने गूंदना है, आलू मेरे ठंडे थे, जल्दी से ठंडा हो गया बैटर। ठीक है, अब इसमें डालना है 1 टेबल, ये देखें भर के, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर,
थोड़ा सा ज़रूरत और पड़ेगी कॉर्नफ्लोर की, बस इतना सा, हाफ टी स्पून। अगर आपने ज़्यादा बड़ी फैमिली के लिए बनाने हैं तो इसको डबल कर लें सब चीज़ों को। ये मेरे पास चॉप कटा हुआ धनिया, ठीक है, थोड़ा सा इतना सा, 1 टेबल स्पून लगा लें, इतना ही होगा। बिल्कुल ठंडा हो गया, इसको गूंदना है आपने अच्छी तरह से। ये मेरे पास मैट था, मैट के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया, आपने काउंटर पे भी लगा सकते हैं। अब इसको ऐसे ऐसे, ये देखें, दोनों हाथों के साथ ऐसे ऐसे करें, ये देखें, ये ऐसे एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक कटर है बच्चों के पसंद का फ्लावर, ठीक है। ये अगर नहीं है कोई बात नहीं, किसी भी किस्म का कटर हो, स्टार बना हुआ हो, कोई एनिमल्स बना हुआ हो, ये देखें ऐसे आपने निकाल लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर रखूँगी बच्चों के लिए फ्लावर, ठीक है। बाकी मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने इसकी शेप बनानी है, वाइट कैसे बनानी है पोटैटो की। हम वाइट तैयार कर लेते हैं, दो ही सौ में कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। ये ऐसे करके पहले वाला रिमूव कर दें, ये देख, तिरछा काटना आपने ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये देख, यहाँ से आपको थोड़ा सा, जहाँ से आपको थोड़ा थिन लगे उसे हाथ की मदद से पतला कर ले, ये देख ऐसे, फिर ऐसे। ये बाइट तैयार हो गई है पोटैटो की, ठीक है। ये मैंने ऑयल मीडियम हाई फ्लेम पर रख दिया था ऊपर, अब इसके अंदर डालेंगे अपनी बाइट्स। फुल गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, मीडियम पे होना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्नैक्स है, चाय के साथ बनाएं, अपने गेस्ट के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं। वैसे बच्चे पोटैटो तो बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी छोटे भी। ये मैंने फ्लावर की जो शेप दी थी ना, ये देखें, जो आपको आसान लगता है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे बना लें। ऑयल मेरा वही ब्रेड बाइट्स वाला जो मैंने आपको सिखाई थी, वही वाला ऑयल है, क्लीन ऑयल है। ये फ्राई हो रहे हैं अभी, स्पून में बिल्कुल नहीं लगाना, स्पून लगाने से टूट भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, जब ये कलर आ जाएगा फ्राई हो चुके हैं। अब इसका साउंड सुने, ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने राउंड में बनाए थे, मैंने तो वो भी डाल देती हूँ, बच्चों को राउंड शेप भी पसंद आ जाती है कभी कभी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पेपर के ऊपर निकाला है इनको, बटर पेपर, ये देखें, मैंने ये डिप बनाई थी इसके साथ में, ये देखें। अभी मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ, अभी फुल गर्म है, ये देखें, ज़बरदस्त खुशबू। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये फिश, इसकी फिश की खुशबू आ रही है इसमें से। चलिए मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ, एक मिनट। बहुत सॉफ्ट, ये देखें, बहुत सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इंशाल्लाह आपको पसंद ज़रूर आएंगे, इसके साथ ये डिप ज़रूर बनाएं और इसके साथ डिप करके खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप अपने घर पे ट्राई करें, बहुत अच्छे बनेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन ज़रूर दबाएँ, आपको सारी वीडियो फ्री में देखने को मिलेगी सबसे पहले। ओके, शेयर करें सबके साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।